स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम जो पिछली वीडियो में पंचायती राज पाठ पढ़ा था नागरिक शास्त्र का, उसके अभ्यास कार्य यानी कि जो उसमें दिया है खालिस्तान, जोड़ियां, सही गलत, विकल्प और प्रश्नोत्तर आदि को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। पहले इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वो बहुविकल्पीय आप जानते हैं क्या होते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं उसके चार आंसर होते हैं, जिसमें से जो सही होता है उसे अपन को टिक सही पर लगाना पड़ता है। तो अपन शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ आप भी अपनी बुक में लगाना शुरू करिए। पहला है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सदस्य सामान्यतः खालिस्तान वर्ष के कार्य काल के लिए चुने जाते हैं। तो अपन इस पर लगा देंगे पाँच वर्ष के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर का है ब्लॉक पंचायत खालिस्तान स्तर पर स्वशासन प्रणाली है, तो इसमें अपन लगा देंगे ब्लॉक, ठीक है। थर्ड पे आते हैं सरपंच की सहायता के लिए खालिस्तान होता है, उप सरपंच, इस पे लगा दिया। फोर्थ नंबर पे आते हैं ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या से तक होती हो सकती है, तो अपन इस पे निशान लगाएंगे 7 से 25 तक। नेक्स्ट है पांचवा, ग्राम पंचायत को अपने कार्य करने के लिए की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, धन की, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट भी उसमें चलते हैं पेज पर। तो अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर खा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी कि खाली स्थानों को भरिए। तो पहला दिया है खालिस्तान जिला स्तर पर काम करती है, कौन करती है जिला स्तर पर काम, जिला परिषद, अपन इसमें जिला परिषद फिल कर देंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं पंचायत का मुखिया कहलाता है, पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है, सरपंच, इसमें अपन सरपंच पर लिख देंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे महिलाओं के लिए पंचायती राज में सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, 1/3 यानी 1/3 यानी कि 33%, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं पंचायत शब्द का अर्थ है खालिस्तान वयस्कों की एक समिति, पांच, इसमें अपन 5 सदस्यों की एक समिति होती है ना, ये पढ़ा था अपन ने पार्ट में, तो अपन इसमें 5 लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है पांचवा नंबर का, खालिस्तान गांव के सभी 18 वर्ष से अधिक के सदस्यों से मिलकर बनती है, क्या बनती है 18 वर्ष से अधिक सदस्यों से मिलकर, पंचायत, इसमें अपन पंचायत भर देंगे खालिस्तान में। अब अपन आते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है ग, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह या निशान लगाइए। तो पहला पढ़ती हूँ मैं, पंचायत का मुखिया उप सरपंच होता है, तो ये अपना गलत है, पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा नंबर है पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो ये अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है पंचायत ग्राम पंचायत की आमदनी का केवल एक स्रोत होता है, तो यह गलत है, अपन ने अभी पढ़ा था ना पाठ में कितने सारे स्रोत थे, तो वो ये अपना गलत हो गया, तो इस पर गलत का निशान लगाएंगे। चौथा नंबर है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है, तो यह भी गलत है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, पाठ में पढ़ा था 2 बार, ठीक है। अब आते हैं अपन पांचवें नंबर पे, नगरों में शहर व कस्बे आते हैं, तो ये अपना सही वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए यानी कि सही जोड़ियाँ बनाइए, वैसे तो इसमें निशान नंबर डले हुए हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़े देती हूँ, आप मिला लीजिए। तो पहला जोड़ी है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा क्या कहती है, पंचायत की संरचना, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है 7 से 25 सदस्य, तो ये क्या हो गया, ग्राम पंचायत। तीसरा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसमें क्या करेंगे, शहरी स्वशासन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, शहरी स्वशासन। चौथा नंबर का है जिला परिषद में जिला परिषद से सहायता क्या करती है, गांव के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी सदस्य। इसके बाद आते हैं उप सरपंच, और उप सरपंच क्या है, पंचायत की सहायता, इसमें उप सरपंच क्या करता है, सरपंच की सहायता के लिए होता है ना उप सरपंच, ठीक है। अब इस तरह से आपकी जोड़ियां भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आते हैं ड नंबर के क्वेश्चन पे, तो दिया है अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर, तो पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं इसके, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए पढ़े देती हूँ, ठीक है।
तो पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो पेज नंबर 94 पर अपन आते हैं। 94 पर ये दिया है ना, पहला स्थानीय स्वशासन सबसे निचले पायदान का पर स्थित है तथा तृणमूल स्तर पर काम करती है। ये क्वेश्चन आपका अति का पहला आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, ग्रामीण शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली के नाम लिखिए। 94 पेज पर चलेंगे, ये जो टेबल बनी हुई है रंगीन, इसको आप इसी तरह से टेबल बनाकर क्वेश्चन नंबर दूसरा अति का, इसको कंप्लीट आंसर इसका ये वाला है, ठीक है, कंप्लीट करिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर, ग्राम सभा क्या होती है? तो 94 पेज पर चलते हैं अपन, 94 पर आते हैं, ग्राम सभा, ग्राम सभा इसमें दिया है, ये 94 पर आएंगे अपन, इधर सबसे नीचे वाला पैरा, ग्राम सभा गांव की पंचायत होती है। इस बस इतना ही लिखना है इसका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पंचायत की बैठक का मुखिया कौन होता है? तो वैसे पंचायत की बैठक का मुखिया तो सरपंच होता है, लेकिन फिर भी अपन 95 पेज पर इसको देख ही लेते हैं। तो ये लिखा है सरपंच में ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पांचवा जो दिया है, सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो इसी में 95 सरपंच होता है ना, इसके आगे ही लिखा है इसका भी आंसर, 95 पेज, सरपंच का चुनाव 5 वर्ष के लिए ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, तो इनके भी आंसर आपको पेज नंबर लिख दिए हैं मैंने, तो अपन ढूंढ लेंगे, हाल वहाँ पर लगे भी हुए हैं तो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर 94 पेज पर आप देखिए, आपको अवश्य मिलेगा। ये दिया है लघु का, ये टेबल बनी हुई ना उसी के सामने वाले पैराग्राफ में, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रशासन पंचायती राज के अंतर्गत काम करता है, जो एक तीन स्तरीय तंत्र होता है। ये तीन स्तरीय तंत्र ग्राम पंचायत, लोक समिति व जिला परिषद है। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर होता है, यह गांव या गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। एक ब्लॉक में कम से कम 100 गांव आते हैं। जिला परिषद जिला स्तर पर काम करती है, यह सर्वोच्च स्तर होता है तथा पंचायती राज प्रणाली का प्रधान होता है। इस तरह से ये उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्राम सभा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो 94 से लेके 95 पेज तक अपन को इसका आंसर मिल जाएगा। ग्राम सभा दिया है 94 पर, ये सबसे नीचे वाले में, दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, गांव की समस्याओं तथा गांव के मुख्य विषयों पर चर्चा करती है। यह गांव के विकास संबंधी मुद्दों पर सीधे निर्णय लेती है। ग्राम सभा का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है तथा सभा में अधिकतम सदस्यों की उपलब्धि सुनिश्चित किया जाता है। गांव के अगला नेक्स्ट पेज, गांव के विकास की योजना को पारित करने के लिए ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है तथा पंचायत की गतिविधियों को देखती है। तो ये लघु का आपका सेकेंड नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक ग्राम सभा व एक ग्राम पंचायत में क्या संबंध है? तो 95 पेज पर जो ग्राम सभा दिया है उस पर अपन चलते हैं। ग्राम पंचायत पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ग्राम पंचायत करते 5 सदस्यों की समिति यह उसी प्रकार काम करती है प्राचीन काल में, जैसे गांव के बुजुर्ग द्वारा झगड़े को निपटाया करते थे। ग्राम पंचायत एक गांव की स्थानीय प्रशासनिक संस्था है तथा पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है। ग्राम पंचायत उन गांवों में होती है जहां की आबादी कम से कम 300 हो, या कई बार नष्ट हुए गांवों की संख्या कम होती है तो 2 गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बना दी जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ग्राम पंचायत के 2 स्रोत के नाम बताइए आय के। तो ये अपने 2 स्रोत जो दिए हैं, पेज नंबर कितने पर लिखा है क्वेश्चन का नंबर,
ये दिया है पेज नंबर 95 पर। 95 पे आते हैं आय के स्रोत, ठीक है ना। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, पूरे 5 पॉइंट दिए हैं, पांचों को लिख लीजिए। इसके बाद अब आते हैं लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो पहला है दीर्घ उत्तरी का स्थानीय सुशासन का महत्व क्या है। तो 94 पेज पर चलते हैं और इसका महत्व जानते हैं। तो यहाँ से पहले ही पेज स्थानीय सुशासन दिया है। तो हमें हमारे हितों व सुरक्षा के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय, राज्य व स्थानीय। स्थानीय सुशासन सबसे निचले पायदान पर स्थित है तथा तृणमूल स्तर पर काम करती है। यह स्थानीय लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यह लोगों को सुशासन प्रदान करती है तथा वे स्थानीय समस्याओं व स्थानीय लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो मैंने काट दिया है लेकिन पंचायत की आय के स्रोत हैं। तो अपन आय के स्रोत को कहाँ पे, ये दिया है ना इसमें लघु में दिया था, स्रोत बताइए। सरपंच जी दिए ना, क्या नाम है, ग्राम पंचायत के 2 स्रोतों के नाम बताइए। तो अपन इसको यहाँ पर लिख देते हैं जी वाला, इसको ना क्या 95 पेज पर 5वें नंबर पे डल गया वो। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करके इसको दीर्घ का सेकंड डालकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा, पूरे ही हैं वैसे तो, चाहे वो लिख लिए, इसको काट के वो हो ही गया पहली बार में लघु में। तो अपन ने उसमें 2 पूछे थे, अपन ने 5 लिख दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचायती राजतंत्र में महिलाओं की भागीदारी करने महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 95 से 96 तक चलते हैं। ये दिया है महिलाओं व पंचायत। महिलाओं को ग्राम पंचायतों में सबसे पहले से अधिक भागीदारी प्रदान की गई है। यह महिलाओं को निर्णय लेने में अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए एक आवश्यक कदम था। एक लंबे समय से राजनीति में महिलाओं का शोषण हो रहा था तथा नेक्स्ट पेज पर उन्हें उचित स्थान प्राप्ति नहीं थी। 1992 में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से गांव में महिलाओं का सरपंच बनने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, बस इतना आप लिख ले। और ये आपका इस तरह से चैप्टर का जो पंचायती राज चैप्टर है उसका अभ्यासकार कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।